सीवान जिले के मैरवा स्टेशन परिसर में चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू गुप्ता के नेतृत्व में नगर के सभी वार्ड पार्षद और जन संघर्ष मोर्चा के सभी सदस्यों ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान में हजारों लोगों ने पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कर औध आसाम लखनऊ बरौनी तथा पाटलिपुत्र और छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग रेल मंत्री से किया है। चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार ने कहा कि 1000 पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कर लोगों ने भारत सरकार के रेल मंत्री को निवेदन पत्र भेजकर चारों ट्रेनों का ठहराव की मांग किया है। गांधी जी के नीतियों पर चलते हुए ट्रेनों की ठहराव की मांग किया जा रहा है। अगर सरकार इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो नगरवासी रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अभियान को सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। नगर के व्यवसायी ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि मैरवा रेलवे स्टेशन सीवान के बाद सबसे अधिक राजस्व वाला स्टेशन है, उसके बाद भी ट्रेनों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। संघर्ष मोर्चा के सदस्य प्रभु बर्नवाल ने कहा कि यहां के स्थानीय सांसद से लेकर रेलवे के पदाधिकारी इस मामले को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बाद भी ट्रेनों के ठहराव की मांग को ठंडे बस्ते में रख दिया जा रहा है। इस अभियान में उप चेयरमैन प्रतिनिधि जाहिर अहमद, वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार, बीजू कुमार, सूरज कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, घनश्याम प्रसाद तथा भाजपा नगर अध्यक्ष सुमंत कुमार बर्नवाल, जीसु अंसारी, धनंजय कुमार, कृष्ण पटेल, डॉक्टर शैलेश कुमार, मोहन राजभर समेत हजारों लोग शामिल थे। मैरा में किन किन ट्रेनों के ठहराव को लेकर के आप लोग स्टेशन परिसर में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं? देखिए, ये लखनऊ बरौनी और औध आसाम ट्रेन जो पहले रुकती थी अब नहीं रुक रही हैं, और दो नए ट्रेन पाटलिपुत्रा जो पटना जाने के लिए हम लोग के लिए सुगमता का केंद्र होगा, और छपरा मथुरा जो ट्रेन है गोरखपुर से आने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है हम लोग के लिए। ये दो ट्रेनों का मांग कर रहे हैं लोग। मांग हम लोग सरकार के सबसे पुराने पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय रेल मंत्री को इस पत्र के माध्यम से निवेदन पत्र बनाकर अपने मुद्दाओं को लिखकर आम जनता से साइन कराकर उससे उसका नाम पता लिखकर पत्र को भेजेंगे। तो सरकार से मांग रखेंगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए और हमारी मैरवा में भी ट्रेनों को ठहराव को सुनिश्चित किया जाए। अगर आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती तो आप आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, इस हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम पुनः फिर एक बार और प्रयास करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर पत्र भेजेंगे। सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो उसके बाद हम लोगों ने जन आंदोलन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। पहले गांधीगिरी से मनाएंगे, बात करेंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस की तरह लड़कर हक लेना भी जानते हैं हम। अपना परिचय बता दें। अभिमन्यु कुमार, चेयरमैन प्रतिनिधि मैरवा नगर पंचायत। अच्छा, आप लोग का ये जो कार्यक्रम चल रहा है मैरवा के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठ करके लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? सबसे पहले आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी हम लोग के जो बात है आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच माननीय मंत्री महोदय के बीच पहुंचाने का काम कर रहा है, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल से मैरवा रेलवे स्टेशन पर और आसाम एक्सप्रेस लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस रुकती आ रही थी, एक कोरोना के बहाना बना करके मैरवा में रुकना बंद करा दिया गया, जिसको मैं मैरवा की जनता के तरफ से भाषणा करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार मैं रेल अधिकारी जो DRM महोदय हैं, जिनको मैंने बार बार अपना आवेदन के माध्यम से मैरवा में उक्त ट्रेन को और मथुरा एक्सप्रेस को और पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस को मैरवा में रोकने के लिए और अन्य मुद्दे को मैं लिख करके DRM महोदय के देता आ रहा हूँ, जिसके संदर्भ में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पुनः जो है बाध्य होकर के हम लोग रेलवे चौक पर हस्ताक्षर अभियान के द्वारा माननीय महोदय मंत्री जी को रेलवे महोदय एवं
अन्य मंत्री महोदय जी के पास हस्ताक्षर अभियान चला करके मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जो है आप लोग इसके तरफ मैरवा रेलवे मैरवा स्टेशन के तरफ जो जरूर आप लोग ध्यान देंगे, जिसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान करने के लिए बैठे हुए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रभु जी बर्नवाल, संघर्ष समिति मैरवा। ये जो आप लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोगों से क्या से क्या क्या मांगे हैं? देखिए, रेलवे एक दुखद संस्थान है और जनहित में कार्य करने करती है, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मैरवा सिवान जंक्शन से बाद सबसे अधिक रेलवे को रेवेन्यू देता है, और जनहित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैरवा का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कई विधानसभा क्षेत्रों के लोग यहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, और पूर्व में यहाँ पर छपरा मथुरा, लखनऊ बरौनी और औध असम ट्रेनों का परिचालन हो रहा था, कोरोना के कारण से बंद कर दिया गया और अब तक वो ट्रेनें बंद हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि लखनऊ बरौनी और औध असम जो पूर्व में परिचालन यहाँ हो रहा था, उन ट्रेनों का यहाँ परिचालन पूरा शुरू किया जाए। साथ ही साथ पटना जाने के लिए लखनऊ पाटलिपुत्रा और छपरा मथुरा ट्रेनों का स्टॉप यहाँ जरूर किया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। ओम प्रकाश जायसवाल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष मैरवा। ये बताइए, आप लोग हस्ताक्षर अभियान मैरवा स्टेशन परिसर में किस लिए आप लोग चला रहे हैं? यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें हैं जो कोरोना काल के पहले रुकती थी, मगर कोरोना के नाम पे उसको बंद कर दिया गया। बहुत से यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो कोरोना काल से बंद है ट्रेन उसको चालू कराया जाए, जिसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय रेल मंत्री को दे रहे हैं, ताकि क्या लग रहा है इस आम लोग जो हस्ताक्षर करवा रहे हैं इस तरीके से आप लोग रेल मंत्री आप लोगों की बात सुन पाएंगे? हमें तो आशा है कि मंत्री साहब सुनेंगे और जनता की परेशानियाँ देखेंगे। सबसे ज़्यादा राजस्व सिवान जिले का सबसे ज़्यादा राजस्व इसी स्टेशन से होता है, तो हम चाहेंगे कि रेल मंत्री इसको देखें और सुने और समस्याओं का समाधान करें। अपना परिचय बता दें। धनंजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, मैरवा।